Hello, Mahi sir. Sir here. Hi, sir. Sir. Sir, इधर. अरे ये हटना. Sir. 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 Sir, first of all. Sir, first of all, I love you for what you are, and so we all love you for what you are, what you have done for our nation. And so coming to the point, और sir आज आप बहुत सही दिख रहे हो, ठीक है? सर तो हाँ और ये दिस इज सवाल सवाल ड्रीम फॉर मी ओके सॉरी सॉरी हाँ तो सवाल ये था कि सर मतलब पूरी दुनिया आपको जानती है कि यू आर द कैप्टन कूल तो सर जैसे मैं स्टूडेंट हूँ मुझे एग्जाम में कुछ डिफिकल्ट आ गया प्रेशर तो सर आप प्लीज मुझे टिप्स दे सकते हैं कि कैसे कूल एंड काम रहने क्योंकि आप इतने प्रेशर सिचुएशन में भी ये इसका बहुत ही सिंपल आंसर है और ये एक्चुअली मेरे लाइफ में हुआ हुआ है तो मेरे लिए बोलना बहुत आसान है आई थिंक एग्जाम जब आपको क्वेश्चन पेपर मिलता है इट्स ऑलरेडी टू लेट यू नो क्योंकि अगर आपने साल भर पढ़ाई की होगी तो आपको सारे आंसर्स पते होंगे थोड़ा आप मिस करोगे थोड़ा भूलोगे बट अल्टीमेटली आप लिख सकते हो आंसर दैट्स वाई मैं जिस स्कूल में भी जाता हूँ जब भी स्टूडेंट से इंटरेक्ट करता हूँ तो मैं यही बोलता हूँ इम्पॉर्टेंट है कि हर दिन आप जो आप क्लास अटेंड कर रहे हो उसमें अटेंटिव रहें और हर दिन थोड़ी थोड़ी पढ़ाई करते रहें ऐसा नहीं कि लास्ट दो महीने में जम के पढ़ाई करें और बाकी नौ महीने दस महीने में हम कुछ भी नहीं करें और जहाँ तक मेरे लाइफ की बात है जो मैं रिलेट करने की बात कर रहा हूँ तो आई थिंक क्लास ट्वेल्थ के समय जो ट्रेलर में भी दिया हुआ है यू नो सो हमारा मैचेस था तो अब हम हेजिटेट कर रहे थे कि पापा के पास कैसे जाएँ मम्मी को तो पटा लिया बट पापा के पास कैसे जाके बताएं कि यू नो कि एग्ज़ाम है बट उसके पहले मुझे मैचेस खेलना है और एग्ज़ाम ख़त्म होने के बाद ही मुझे ना ट्रेन पकड़ के जाना है और मैच खेल के फिर वापस आना है तो फाइनली थोड़ा करेज जुटा के गए मेरा पापा ऐसा है कि मैच है हमारा ऐसा है वैसा है उन्होंने बहुत आराम से जवाब दिया बोला बेटा अगर साल भर मेहनत करे होगे तो एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा अगर साल भर मेहनत नहीं किए होगे तो भी एक दिन से फ़र्क नहीं पड़ेगा तो तुम आगे कह रहे हो My sir, what was going on in your mind when Misbah scooped that shot over to Shrishant? And also before hitting the World Cup winning six over long off. Long on. Long on, long on. नहीं जहाँ तक 2007 World Cup के catch की बात की जाए तो TV में जब मैंने देखा वापस आने के बाद हम highlight देख रहे थे मेरा heart rate भी ऊपर चला गया था और जिस तरीके से वो बॉल के ऊपर फोकस कर रहे थे आपने ऑफकोर्स टेलीविजन में देखा होगा तो वो तो मुझे लगा कि टीवी में देखते हुए कि ये तो गया मतलब वन बाउंस फोर हो गया बट एक्चुअली जब मैच हो रहा था तो मैं वहीं पे था तो आई वाज जस्ट सो जब मिस्बा ने वो शॉट खेला ना बॉल ऊपर गया तो आई सॉ कि धीरे धीरे ऊपर जा रहा है बहुत ज़्यादा उसमें पेस नहीं है तो मैंने फिर देखा श्रीशांत को शॉर्ट फाइन लेग में और बॉल आने के पहले ना वो तीन बार ऐसे ऐसे हो चुका था मैंने बोला अगर ये ड्रॉप हुआ ना तो क्या होगा नहीं पता बट आई फील जो आसान कैचेस होते हैं क्रिकेट में वो सबसे ज़्यादा मुश्किल कैचेस होते हैं क्योंकि जब आप बॉल को देखते हो सारी चीज़ें आपके सामने आ जाती है छूट गया तो ये होगा वैसा होगा और बॉल धीरे धीरे नीचे आ रहा है दैट्स वाई वी से बीइंग इन द प्रेजेंट इज़ इम्पॉर्टेंट बट दिमाग इतना स्ट्रांग होता है वो आगे पीछे लेके जाता ही है आपको सो आई फील दैट वॉज वन ऑफ द टफेस्ट कैचेस और जहाँ तक 2011 वाले शॉट की बात की जाए तो इट वॉज अ बिग रिलीफ कि हाँ भाई ख़त्म हो गया वर्ल्ड कप हम जीत गए क्योंकि जहाँ जाओ हर कोई एक ही चीज़ बोलता है सर वर्ल्ड कप जीतना है क्यों इंडिया में हो रहा है मैं बोला आज तक कोई होस्ट कंट्री नहीं जीती है क्योंकि कुछ समय के बाद इट वाज इम्पॉर्टेंट फॉर अस टू हैव फन क्योंकि हर कोई सेम चीज़ बोलता था आप एयरपोर्ट से निकलो होटल में जाओ उसके बाद आप फिर होटल से निकल के किसी और सिटी में जाओगे नए होटल में जाओगे नए लोगों से इंटरेक्ट करोगे एवरी टाइम इट वॉज द सेम क्वेश्चन वर्ल्ड कप जीत रहे ना और सबका आंसर एक था इंडिया में हो रहा है आपने बहुत रिसर्च किया जैसे सर ने कहा कि आप इनके पीछे पड़े थे इन्फॉर्मेशन के लिए
किस टाइप की रिसर्च हुई यहाँ पर? मैंने पहली बार एमएस को थोड़ा सा अपना कूल जो है वो खोते हुए देखा था. आपका प्रोमो मिल गया. पहले दो तीन दिन जब मैं इनके साथ था और मैं बहुत सारे क्वेश्चंस पूछ रहा था, बहुत ही कामली पेशेंटली विद अ स्माइल वो सारे आंसर्स कर रहे थे. लेकिन एक बार बोलते यार एक तुम क्वेश्चंस बहुत पूछते हो यार, मैं आता हूँ दो मिनट में. सुशांत मैं ऐसा क्या हुआ था, मतलब क्या कुछ हुआ था ऐसा स्पेसिफिक, मतलब क्या पूछा था आपने? नहीं नहीं मैं बस एक ही क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से बार बार पूछ रहा था. अच्छा क्रॉस चेक ऐसे एक बार पूछता था फिर उसको ना बाएं से पूछता था. आंसर अगर सिमिलर हो तो अच्छा सच बोल रहा है, फिर नेक्स्ट सवाल पे जाता था. एंड आई टोल्ड यू इट वाज अ बिट ऑकवर्ड इनिशियली, थोड़ा ऑकवर्ड है टू स्पीक अबाउट योरसेल्फ कि मुझे ऐसा लगता है मुझे वैसा लगता है. एक आध क्वेश्चन ठीक है, जब वो 15 मिनट हो जाते हैं लगता है ये मैं कर रहा हूँ. सो आई वाज लाइक मुझे ब्रेक चाहिए, मैं जा रहा हूँ थोड़ी देर में आऊँगा.